वेलकम टू एक्यूमैन। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट आया है। आप देख सकते हैं तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। सो एक बार हम उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। सो आप देख सकते हैं तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में 10 गेटको में नया रिक्रूटमेंट आया है, उसको एक बार हम नोटिफिकेशन के थ्रू देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में ये जो ट्रेनिंग है अप्रेंटिसशिप के लिए, ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक बार देख लेते हैं। उन्होंने देखो ये बता के रखा हुआ है टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। सो फॉलोइंग ब्रांचेस वाले डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए लगभग 395 नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्लेसेस उन्होंने पोस्ट निकाली हुई है। तो वो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कितना वैकेंसी है, 395। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 22। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज। कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 9। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 15 एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। हम टोटल बात करें तो टोटल 500 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई हैं इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक बार देख लेते हैं। ये तो मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज तो देख लिया है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मंथली स्टाइफंड की। तो मंथली स्टाइफंड 8000 रुपीज रहने वाला है एंड ये पर्टिकुलरली 1 ईयर की ट्रेनिंग है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है ये एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग एंड उसमें जो स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं 2020, 21, 22 एंड 23 में, वो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो मैंने पर्टिकुलरली ब्रांच वाइज भी आप लोगों को बता दिया है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी हमने देख लिया है, फुल टाइम डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप लोगों को अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एंड उसमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे एंड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वाया ईमेल आपको ये मैसेज कन्वे किया जाएगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मींस प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सो उसके लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने बताया है कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले टाइप ए है, तो टाइप ए वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया था कहाँ पर, ओल्ड नेशनल वेब पोर्टल पर। सो उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, उन स्टूडेंट्स को फॉलोइंग स्टेप फॉलो करना होगा एंड इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें टाइप बी स्टूडेंट्स के लिए, टाइप बी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया था न्यू नेशनल वेब पोर्टल पर एंड वो ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करें एंड अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। टाइप सी स्टूडेंट्स भी हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल पे, सो उनको अप्लाई करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, इस पोर्टल पे एनरोल करना पड़ेगा एंड देन फिर वो अप्लाई कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो तीन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये स्टेप्स दी गई हैं, उसको फॉलो करके आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स वो हम कुछ देख लेते हैं। उन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट कब से है, तो उन्होंने मेंशन करा है 10th जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म फिलिंग एंड लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31st जुलाई।
एंड देन 8 अगस्त तक लगभग शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी एंड मेल कर दिया जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली आप ये पर्टिकुलर जो भी आपको प्रमाइसिस दिया है उन्होंने उस पर जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा. ओके सो ये उन्होंने यही बताया. डिक्लेरेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड लिस्ट कब आने वाली है? 8 अगस्त को. एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वो कब होने वाले हैं? वो बिटवीन 28 अगस्त टू 31 अगस्त में ये कंप्लीट हो जाएंगे. टेंटेटिव डेट्स उन्होंने ये प्रोवाइड की है. ओके स्टूडेंट्स, तो अब जैसे ही ये 10th जुलाई को ये ओपन होने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सो जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, है ना. एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए. एंड देन उसके बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. 1 ईयर की ट्रेनिंग रहने वाली है. हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले चुके हैं पहले, तो वो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है. तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा. उन्होंने मेंशन भी किया इस नोटिफिकेशन में, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए आप लोगों के लिए ये फॉर्म 10th ऑफ जुलाई से ओपन हो जाएगा, आप लोग फिल कर दीजिएगा. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.